डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइम सोडा प्रोसेस. सो लाइम सोडा प्रोसेस इज द एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग. वाटर सॉफ्टनिंग के लिए जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड यूज़ की जाती है उनमें से एक मेथड है लाइम सोडा मेथड. अब लाइम सोडा मेथड के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे. उसके नाम में हम बोल रहे हैं लाइम सोडा. सो इन वाटर वी ऐड लाइम एंड सोडा. तो ये बात हमें नाम से ही समझ में आ रही है कि लाइम सोडा प्रोसेस में हमें लाइम और सोडा ऐड करना होगा. अब लाइम क्या होता है? लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH होल ट्वाइस. कई बार लाइम की जगह पर मिल्क ऑफ लाइम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा या लाइम वाटर मिल जाएगा. कई बार हम इसे स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं. तो मिल्क ऑफ लाइम भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन होता है. सस्पेंशन मतलब जब आप वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व करेंगे तो ये जो पूरा आपको मिलेगा जिसमें थोड़ा आपको टर्बिट टर्बिट सा वाटर, इसको बोला जाएगा सस्पेंशन. लाइम वाटर मीन्स जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया है और उसे कुछ देर अनडिस्टर्ब जब आप छोड़ देते हैं तो नीचे कुछ अमाउंट में डिपॉजिशन हो जाता है और ऊपर हमें यहाँ पर क्लियर वाटर दिखता है. तो ये जो क्लियर वाटर होता है, दिस इज नोन इज मिल्क ऑफ लाइम, क्लियर डिकेंट सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और स्लैग्ड लाइम भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है. कई बार हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्लेस पर कैल्शियम ऑक्साइड भी ऐड कर सकते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विक लाइम. तो कई बार न्यूमेरिकल में लाइम के प्लेस पे आपको क्विक लाइम लिखा हुआ भी मिल जाता है. तो क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और जब हम इसे वाटर में मिक्स करेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद हमें सोडा ऐड करना है. तो सोडा क्या होता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट इज नोन इज सोडा. दिस इज सोडियम कार्बोनेट. दिस इज ऑल्सो नोन इज वॉशिंग सोडा. तो लाइम सोडा प्रोसेस में हमने लाइम ऐड करना है और सोडा ऐड करना है. बस ये इतनी सी ही प्रोसेस होती है. नाउ व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस लाइम सोडा मेथड? जब आप लाइम सोडा मेथड में लाइम सोडा ऐड करेंगे तो उससे क्या होता है? सो इन दिस मेथड सॉल्यूबल हार्डनेस कॉजिंग इम्प्यूरिटीज आर कन्वर्टेड इंटू इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट्स विच कैन बी रिमूव्ड बाय सेटलिंग एंड फिल्ट्रेशन. तो इस मेथड का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम वाटर में जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ हैं, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड हो गया या मैग्नीशियम सल्फेट हो गया या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट हुआ, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हुआ, इस तरह के जो भी सॉल्ट वाटर में सॉल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट हैं, हम लाइम सोडा का यूज़ करके उन सारी सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ को इनसॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. और इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट जो बन जाते हैं उन्हें हम सेटलिंग और फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर देते हैं. तो जो सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ थी वो इनसॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और उसे हमने फिल्ट्रेशन से रिमूव कर दिया. तो वाटर की हार्डनेस यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है या रिमूव हो जाती है. तो इसीलिए लाइम सोडा मेथड एक वाटर सॉफ्टनिंग मेथड है, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग हार्ड वाटर इंटू सॉफ्ट वाटर बाय यूजिंग दिस लाइम सोडा मेथड. अब लाइम सोडा प्रोसेस में बेसिकली हम क्या करेंगे? सो वी वॉन्ट टू कन्वर्ट हार्ड वाटर इंटू सॉफ्ट वाटर. सो वी हैव दिस हार्ड वाटर और हमें यहाँ पर इसमें लाइम और सोडा ऐड करना है. सो मैंने इसमें ऐड किया लाइम एंड सोडा. अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, वी हैव टू ऐड कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ लाइम एंड सोडा. कैलकुलेटेड क्वांटिटी हमें इसलिए ऐड करना है क्योंकि अगर वाटर की सपोज करो हार्डनेस ज़्यादा है और हमने कम अमाउंट में लाइम सोडा ऐड कर दिया
तो उसमें हार्डनेस रिमूव नहीं हो पाएगी कम्प्लीटली, बहुत सारी हार्डनेस उसमें बच जाएगी, रेसिडुअल हार्डनेस रह जाएगी। अगर सपोज़ करो वाटर की हार्डनेस कम है और हमने एक्सेस अमाउंट में लाइम सोडा ऐड कर दिया, तो ये लाइम और सोडा बॉयलर में जाके कुछ ना कुछ ट्रबल करेंगे। जैसे सोडा एक्सेस क्वांटिटी में हो जाएगा तो फिर वो हाइड्रोलाइज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा बॉयलर में और कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट करेगा। तो इसीलिए हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि वी हैव टू ऐड कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ लाइम एंड सोडा इनटू द हार्ड वाटर। एक चीज यहां पर और ध्यान रखने वाली होती है कि इफ लाइम सोडा प्रोसेस इज ऑपरेटेड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज इफ वी आर परफॉर्मिंग कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, देन वी विल ऑल्सो एड सम कोएगुलेंट। विद दिस लाइम एंड सोडा, रिमेंबर दिस। तो लाइम सोडा प्रोसेस में हार्ड वाटर में हम कैलकुलेटेड क्वांटिटी में लाइम सोडा ऐड करेंगे, और ये प्रोसेस अगर हम रूम टेम्परेचर पर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब हम कोल्ड लाइम सोडा मेथड परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस लाइम और सोडा के साथ में हमें कोई कोएगुलेंट भी ऐड करना होता है। अगर हम हॉट लाइम सोडा प्रोसेस करते हैं तो उसमें कोएगुलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अब जब भी वाटर में आप कोई सॉलिड सब्सटेंस ऐड करेंगे then you have to mix it properly. तो हमने लाइम सोडा ऐड किया है, then we have to mix it properly. अब जैसे आप इसको मिक्सिंग करेंगे, लाइम सोडा वाटर की इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन करेगा। तो हमने ये बताया कि लाइम सोडा मेथड में जो सॉल्यूबल कैल्शियम मैग्नीशियम इम्प्योरिटीज़ होती है वो इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वाटर में जितनी भी कैल्शियम इम्प्योरिटीज होंगी इट प्रेसिपिटेट आउट इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और जितनी भी मैग्नीशियम इम्प्योरिटीज होंगी इट प्रेसिपिटेट आउट इन फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ थी कैल्शियम मैग्नीशियम की, दीज आर सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, और ये जो प्रेसिपिटेट बने हैं दीज आर इनसॉल्यूबल। अब इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट आपको मिल गए हैं, आप इन प्रेसिपिटेट को सेटल डाउन होने देंगे थोड़ी देर, और उसके बाद आप वाटर को फिल्टर कर लेंगे एंड फाइनली यू विल गेट सॉफ्ट वाटर। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ लाइम सोडा मेथड। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लाइम सोडा मेथड। सो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वी कैन क्लासीफाई लाइम सोडा मेथड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द कोल्ड लाइम सोडा मेथड, एंड सेकेंड वन इज द हॉट लाइम सोडा मेथड। तो कोल्ड लाइम सोडा मेथड जो होती है इट इज परफॉर्म्ड एट रूम टेम्परेचर, इसे हम रूम टेम्परेचर पर परफॉर्म करते हैं, और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो जनरली ये टेम्परेचर 90-100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद इन दोनों ही मेथड्स को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं एज बैच प्रोसेस एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। सो बैच प्रोसेस एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। सिमिलरली दिस हॉट लाइम सोडा मेथड कैन ऑल्सो क्लासीफाई एज बैच हॉट लाइम सोडा मेथड एंड
कंटिन्यूस लाइम सोडा मेथड। बैच वाइज प्रोसेस में वाटर सॉफ्टनिंग बैचेस में की जाती है। जैसे आपने कुछ लीटर्स वाटर एक टैंक में फिलअप किया, उसके बाद इसमें केमिकल्स ऐड करेंगे, तो जब भी कोल्ड लाइम सोडा मेथड होती है देन वी हैव टू ऐड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम सोडा प्लस कोएगुलेंट। तो यहाँ पर वाटर रहेगा, इसमें हम लाइम सोडा कोएगुलेंट ऐड करेंगे। पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा और हम यहाँ से सॉफ्ट वाटर विड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें वाटर फिलअप करेंगे जिसे हमें सॉफ्ट करना होगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस बैच में चलता है। जैसे लेबोरेटरीज़ में हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स का बैच बना दिया, बैच ए परफॉर्म करेगी, वो अपना पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करेगी, बाहर निकल जाएगी, उसके बाद ही कोई नेक्स्ट बैच आएगी। यहाँ पर भी इसी तरह से वाटर सॉफ्टनिंग की जाती है। एक पूरा बैच वाटर का सॉफ्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद सॉफ्टनर की क्लीनिंग कर ली जाएगी और फिर नेक्स्ट उसमें सॉफ्टनिंग प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। जबकि कंटिन्यूस ऑपरेशन में हम इम्प्योर वाटर को कंटिन्यूसली सॉफ्टनर में देते रहते हैं और कंटिन्यूसली हमें सॉफ्ट वाटर मिलता रहता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है। हॉट लाइम सोडा में भी बैच प्रोसेस इसी तरह से होगा। पहले एक बैच वाटर का सॉफ्ट किया जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट बैच सॉफ्टनर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और कंटिन्यूस प्रोसेस जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें वी कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूस रॉ वाटर इनटू द सॉफ्टनर एंड वी कंटिन्यूसली गेटिंग दिस सॉफ्ट वाटर फ्रॉम आउटलेट। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइम सोडा मैथड एंड इट्स टाइप्स। लाइम सोडा मैथड के डिफरेंट टाइप्स हम अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। Now this is a practice question based on lime soda method. In cold lime soda method, we add lime soda and coagulant. Option B, lime soda and acid. Option C, lime soda and sodium hydroxide. And option D, none of the above. इस question का answer आप comment box में post करें। तो dear students, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।